हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिजाइन ऑफ आरसीसी वाटर टैंक। इसमें हम वाटर टैंक की डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वाटर टैंक को तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे। पहला जो है, अगर हमारा जो वाटर टैंक है वो ग्राउंड लेवल पे लाई करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉटर टैंक रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा दो टाइप से हो सकता है वॉटर टैंक, या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर सर्कुलर होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है हमारा अंडरग्राउंड वॉटर टैंक। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से नीचे हमारा होगा और ये भी हमारा दो टाइप से हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर होगा या फिर सर्कुलर होगा। और जो हमारा तीसरा टाइप का होगा वाटर टैंक वो होगा एलिवेटेड वाटर टैंक, जो कि एक हाइट पे एलिवेटेड होगा ग्राउंड सरफेस से। ये भी हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो डिजाइन ऑफ वाटर टैंक में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना जरूरी है कि उसमें जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हम किस बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हम यहाँ पे सर्कुलर वाटर टैंक को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रेक्टेंगल के बारे में यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, इस लेक्चर में सिर्फ सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी सर्कुलर वाटर टैंक हम लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, तो इसका जो प्रेशर डायग्राम बनता होगा गामा एच हो जाएगा। वाटर के कारण जो प्रेशर होगा वो गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, तो फिर ये जो प्रेशर है वो कैसा वेरी कर रहा है, ट्रायंगुलर वेरी कर रहा है। मतलब कि जो हमारा प्रेशर है वो ये जो बेस है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, और जो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, बेस से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। मतलब कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे हमको रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड करना है, और जहां पे प्रेशर कम है वहां पे रेनफोर्समेंट हमें कम प्रोवाइड करना है डिजाइनिंग में। तभी हमारा जो ये जो डिजाइनिंग रहेगा हमारा वो इकोनॉमिकल रहेगा। इसलिए हम हर जगह इक्वल रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो हम डेप्थ में रहेगा हमारा, डेप्थ में सर्कुलर वाटर टैंक के ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम रेनफोर्समेंट कम करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, उससे 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर इससे 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। सिमिलरली हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि वहां भी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रेंगुलर ही होगा, और इसके कारण हम जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा मतलब बेस में ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं डिजाइनिंग में, ताकि हमारा जो डिजाइनिंग हो वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजाइनिंग ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। ना हम यहाँ पे जो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वाटर टैंक जो हमारा जब ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है तो उसका डिजाइनिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वाटर टैंक होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो रहता है उसका जो फर्स्ट जो टाइप का वाटर टैंक होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा जो वाटर टैंक पढ़ेंगे उसका जो बेस होगा वो रिजिड बेस या फिर रिस्ट्रेन बेस होगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल बेस और रिजिड बेस होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, सर्कुलर वाटर टैंक विथ फ्लेक्सिबल ज्वाइंट एट बेस। ठीक है, ये है हमारा फ्लेक्सिबल बेस। में हमारा क्या होता है कि जो टैंक के जो वॉल रहते हैं वो फ्री रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए नाम से ही ये पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल है जो उसके जो वॉल है। ठीक है, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बेस में डिस्कस करेंगे उसकी डिजाइनिंग को। और रिजिड बेस या फिर रिस्ट्रेन बेस से पता चल रहा है कि ये इसको हम क्या किए हैं, रोक दिए हैं, रिस्ट्रेन कर दिए हैं। मतलब कि जो वॉल है टैंक की उसको हम रिस्ट्रेन कर दिए हैं, उसके कारण कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस के बारे में भी हमको स्टडी करना पड़ेगा, लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का भी इफेक्ट यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वॉल है उसको रिस्ट्रेन कर दिया है तो उसके कारण से एक्स्ट्रा फोर्सेस जनरेट होंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस आएंगे, उन स्ट्रेसेस के बारे में उन स्ट्रेसेस को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इस सर्कुलर टैंक के डिजाइन की ओर। इस लेक्चर में हम पहले सर्कुलर टैंक विद फ्लेक्सिबल बेस हम डिजाइन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर टैंक विद रिजिड बेस हम डिजाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है फ्लेक्सिबल बेस का। तो इस क्वेश्चन में गिवन है, डिजाइन अ सर्कुलर टैंक विथ अ फ्लेक्सिबल बेस फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 4 लाख लीटर। द डेप्थ ऑफ वाटर इज टू बी 4 मीटर इंक्लूडिंग फ्री बोर्ड ऑफ 200 mm। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट।
यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा इंक्लूडेड है, फ्री बोर्ड को इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो हमारा जो डेप्थ ऑफ टैंक है वो कितना दिया हुआ है, इसका मतलब है 4 मीटर, क्योंकि हमारा जो ये डेप्थ है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, फ्री बोर्ड को इंक्लूड किया हुआ है, मतलब ये हमको टोटल डेप्थ ऑफ टैंक दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे जो फ्री बोर्ड है वो 200 mm दिया हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा फ्री बोर्ड होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कुछ डेप्थ तक हमारा ये टैंक है, इसमें कुछ डेप्थ तक हमारा क्या होगा, फिलअप, वाटर फिलअप होगा, ठीक है। ये हमारा वाटर फिलअप है, ये जिसके नीचे पूरा वाटर है, और जो ऊपर का जो पोर्शन बचेगा, ठीक है, जो खाली पोर्शन रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमारा फ्री बोर्ड कहलाएगा, जो कि 0.2 मीटर का हमको गिवन है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज के डिजाइन से पहले उसका हमको डायमेंशन का पता होना जरूरी है, तभी हम उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर टैंक का डायमेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको डेप्थ ऑफ टैंक तो हमको ऑलरेडी गिवन है, फ्री बोर्ड हमको पता है 0.2 मीटर का, डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक 3.8 मीटर आ जाएगा, टोटल डेप्थ हमको 4 मीटर गिवन है, और उसमें से हम फ्री बोर्ड को माइनस करेंगे तो हमारा जो डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगा वो 3.8 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमको, जैसे कि यहाँ पे डायमीटर गिवन नहीं है टैंक का, तो उसके लिए हमको कैपेसिटी गिवन है, और उस कैपेसिटी से हम डायमीटर ऑफ द टैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी को हम वॉल्यूम से इक्वेट कर देंगे, तो π/4 × diameter² और हमारा जो कैपेसिटी है, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, आप अगर कैपेसिटी से इक्वेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर लेंगे, क्योंकि वही हम हमारा कैपेसिटी बताएगा, जितना हाइट ऑफ वाटर उस टैंक में आ सकता है वही उसका कैपेसिटी डिसाइड करेगा, इसलिए हम यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर लेंगे, ना कि हाइट ऑफ टैंक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके हम डायमीटर ऑफ टैंक निकालेंगे, जिसका वैल्यू जो है 11.7 हमारा आ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिजाइन ऑफ सेक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या इसमें फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा टैंक है उसमें कितना मैक्सिमम फोर्स आ सकता है, क्योंकि हम जब तक मैक्सिमम फोर्स कितना आ सकता है वो नहीं निकालेंगे, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम उसमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उसमें कितना मैक्सिमम फोर्स आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो बॉटम में एक्ट करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि मैक्सिमम हुप टेंशन ऑन द बेस ऑफ द टैंक, ठीक है। यहाँ पे हुप टेंशन क्या है, हुप टेंशन हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोई भी ये सर्कुलर टैंक मान लीजिए, ठीक है, इसमें जो है हमारा वाटर फिलअप है, यहाँ पे हमारा वाटर फिलअप रहेगा, तो फिर वो कैसा फोर्स आउटसाइड जो रहेगा हमारा प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर के कारण जो हमारा जो टैंक है उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने के कारण इसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन कहेंगे। और हुप क्या होता है हमारा, हुप एक मेटालिक बैंड होता है जो कि सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, हुप मतलब सर्कुलर। तो फिर और हमारा जो टैंक है वो भी सर्कुलर शेप का है, तो इसलिए हम इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हुप टेंशन बोलेंगे। और ये कहाँ पे मैक्सिमम होता है, बेस पे हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हुप टेंशन ऑन द बेस ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, γWh × d/2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, γWh क्या होता है हमारा, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है बेस ऑफ टैंक पे, और d/2 हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द टैंक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, γW का जो वैल्यू होता है, वाटर का जो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, 9.8 kN/m³। हाइट ऑफ टैंक हमारा 4 है, और हमारा जो टेंशन है, सॉरी डायमीटर है, वो 11.7 आया है, तो इससे हम निकाल ले रहे हैं, ये हमारा टेंशन है 229.32 kN/m। उसके बाद जानने वाली बात ये है कि ये जो टेंशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट मीटर है, मतलब कि 1 मीटर अगर हम लेते हैं तो हमारा 1 मीटर में हमको कितना फोर्स एक्ट करेगा, 229.32 kN का हमारा फोर्स एक्ट करेगा। तो जैसे कि हमने टेंशन निकाल ली है कि मैक्सिमम कितना फोर्स हमारा टैंक में एक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कितना एरिया ऑफ स्टील हमको रिक्वायर है हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एरिया स्ट्रेस इनटू एरिया हमारा क्या देगा, हमारा फोर्स देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे टेंशन है। तो एरिया रिक्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट में हमारा कितना फोर्स लगेगा वो हमने यहाँ पे लिखा है 229.320 हमारा न्यूटन में होगा, और σST है 115। हमारा जो Fe 250 रहता है उसके लिए σST का जो वैल्यू होता है वो 115 N/mm² होता है, और 415 ग्रेड के लिए हमारा क्या होता है, 150 N/mm² होता है।
ये हम आपको 450 आईएस 456 में नहीं मिलेगा, ये जिसमें ये आईएस 3370 में है, ठीक है। तो ये आप ये याद रख लीजिएगा ये दोनों वैल्यूज। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि हम एरिया निकाल चुके हैं, तो उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ बार चाहिए और उसका डायमीटर क्या होगा ये निकाल सकते हैं। तो स्पेसिंग ऑफ बार, स्पेसिंग ऑफ हुप, ठीक है, सर्कुलर रेनफोर्समेंट हमारा हुप है, इज इक्वल टू, उसके लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है पाई बाई फोर डी स्क्वायर अपॉन ए एस टी इज इक्वल इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि 20 mm का हम हमारा 20 mm डायमीटर का हम बार प्रोवाइड करेंगे, तो फिर इससे हमको क्या मिल रहा है, स्पेसिंग 157 mm का मिल रहा है। तो हम कितने mm का स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, 150 mm का स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग कम रखेंगे तो सेफ्टी के लिए स्पेसिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे 150 mm जब हम स्पेसिंग रखते हैं तो हमारा जो एरिया होगा वो हमारा कितना आएगा, इसी फॉर्मूले को फिर से पुट करेंगे, स्पेसिंग 150 mm यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो एरिया मिल रहा है हमको 2093 mm² मिल रहा है। तो हमारा जो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं एरिया और जो एरिया रिक्वायर है, ठीक है, हमारा जो प्रोवाइडेड एरिया है वो ज्यादा है जो रिक्वायर एरिया से, इसका मतलब कि हम हमारा जो डिजाइनिंग है वो सही है, हम 20 mm का बार विद 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम टैंक को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमको उसकी वॉल की थिकनेस को पता होना जरूरी है, तभी हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम थिकनेस ऑफ वॉल निकालेंगे, उसके लिए हमको फॉर्मूला गिवन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी आईएस 3370 में दिया हुआ है, ठीक है। सिग्मा एस टी, सिग्मा सी टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए जी प्लस एम माइनस वन ए एस टी, ठीक है। इसमें टी जो है हमारा टेंशन है, जो हमारा बेस में लग रहा था, मैक्सिमम टेंशन फोर्स हम निकाले थे। Ag जो हमारा ग्रॉस एरिया ऑफ वॉल है, m माइनस वन m जो है मॉड्यूलर रेशियो है, और Ast जो है हमारा एरिया ऑफ स्टील जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिग्मा Ct हमारा क्या है, परमिसिबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। इसका जो वैल्यू होता है M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.3, और ये बाकी ग्रेड के लिए ऐसा होता है, ठीक है। ये भी हमको IS 3370 में है, तो यहाँ पे M20 के अकॉर्डिंग जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1.2 है, तो इससे हम थिकनेस निकाल लेंगे। तो ग्रॉस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू टी होगा, बी जो रहेगा हमारा हम 1 मीटर लेके कंसिडर करेंगे जो वॉल का होगा, और थिकनेस जो है हम हमको निकालना है, ठीक है। और एम माइनस वन इंटू ए एस टी, ए एस टी हमने प्रोवाइड किया है कितना, 2093 हम प्रोवाइड करे हैं, और एम का जो वैल्यू है मॉड्यूलर रेशियो का वो कैसे निकालते हैं, 280 अपॉन 3 टाइम ऑफ सिग्मा सीबीसी से वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा सीबीसी का जो वैल्यू होता है वो आईएस कोड से हम निकाल सकते हैं, M20 ग्रेड के लिए क्या 7 होता है, ठीक है। तो फिर इसमें जो मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू है 13 आ रहा है, वैल्यू पुट करेंगे आप थिकनेस ऑफ द वॉल निकाल लेंगे। इसके बाद हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सर्कुलर टैंक को हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमको वर्टिकल रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो फिर ये किसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, आईएस कोड के हिसाब से। अगर जो हमारा थिकनेस है वो 100 mm का है तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम 0.3% का लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो थिकनेस है वो 450 mm का है तो कितना परसेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं, 0.2%। और हम आगे फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारा जो वॉल का थिकनेस है वो कितना आया, हमारा 166 mm का आया है, तो हमको यहाँ पे इंटरपोलेट करना पड़ेगा। सिंपली हमने यहाँ पे इंटरपोलेट कर दिया है 166 - 100, उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा स्टील का जो परसेंटेज है वो लिख दिया 450 - 100, उसके करस्पॉन्डिंग स्टील का परसेंटेज। तो ऐसे इंटरपोलेट करके हमने परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रिक्वायर होगा हमने निकाल लिया, 0.28% हमको रिक्वायर है, और इस परसेंटेज ऑफ स्टील के बेसिस पे हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है AST इज इक्वल टू PT अपॉन 100 B इंटू डी। यहाँ पे जो डी रहेगा हमारा वो थिकनेस ऑफ वॉल है जो कि 166 हम पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको T से डिनोट कर रहे हैं, वही आप यहाँ पुट कर दीजिएगा थिकनेस ऑफ वॉल। तो ये जो हमारा आएगा वो AST 464.8 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस AST के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ बार और उसका स्पेसिंग हम इस AST के अकॉर्डिंग हम डायमीटर ऑफ बार और उसके बीच का स्पेसिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हम 10 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका स्पेसिंग कितना होगा,
ये हमारा स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला है 1000 × π/4d² / 465. 465 यहाँ पे हमने एरिया निकाला है 464.8, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके इतना ले लिया है. तो हमारा जो स्पेसिंग है वो 168.8 आ रहा है. हम इसको अप्रॉक्स 160 लेंगे, कम करके लेंगे हमारा स्पेसिंग. तो हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं 10 mm का डायमीटर का बार, जिसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा वो 160 mm होगा, ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे डिजाइन ऑफ बेस स्लैब और टैंक फ्लोर. हमारा जो टैंक है वो बेस स्लैब में रेस्ट करता है, तो हम उसकी डिजाइनिंग देखते हैं, ठीक है. तो उसकी जो थिकनेस होती है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, उसकी जो नॉमिनल थिकनेस होती है वो 150 mm हम लेते हैं, ठीक है. और इसमें जो रेनफोर्समेंट, जो परसेंटेज ऑफ स्टील हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.3% ऑफ ग्रॉस एरिया हम इसमें प्रोवाइड करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग, इसमें ये परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.3%, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कितना एरिया रिक्वायर होगा हम वैसे निकाल लेंगे. हमारा जो डी है यहाँ पे, जो थिकनेस है वो हम स्लैब का लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एएसटी आएगा वो 450 mm² आएगा. ये जो एएसटी आया है ये दोनों साइड का आया है, ठीक है, ये ऊपर का भी आया और नीचे का भी आया है. तो फिर हाफ हाफ हमको, क्योंकि ऊपर में भी प्रोवाइड करना है और नीचे में भी प्रोवाइड करना है, तो हम हाफ हाफ प्रोवाइड करेंगे. तो हम एरिया को हाफ कर देंगे, प्रोवाइड हाफ ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच डायरेक्शन. तो 225 mm² एरिया का हम ऊपर और उतने ही एरिया का हम नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. तो इसके इस एरिया के अकॉर्डिंग हम कितना डायमीटर का बार लेंगे और उसका स्पेसिंग क्या होगा ये निकालेंगे. यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारा जो बार है वो 8 mm डायमीटर का लेते हैं, तो हमारा जो स्पेसिंग है वो कितना आता है, हमारा जो स्पेसिंग है वो 220 mm आता है, जिसको हम 200 mm लेके चलते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम एरिया कितना है, 225 हमको रिक्वायर है, ये हमने यहाँ से निकाला है. यहाँ पे ईच साइड में हमको 225 mm² का एरिया रिक्वायर्ड है, तो वही हमने पुट कर दिया जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किए हैं उसी में. तो फिर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 8 mm डायमीटर का 200 mm स्पेसिंग में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद हमारा जो स्लैब होगा उसके नीचे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लीन कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा 75 mm थिकनेस का होता है, ठीक है. ये लीन कंक्रीट क्या है, इसका यूज क्या है, ये सिंपल कंक्रीट है, लेकिन इसमें ये इसका यूज ये है कि जो सॉइल से जो मॉइस्चर आता है वो हमारा डायरेक्ट हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारा स्लैब टैंक है उसमें एंटर ना करे, ठीक है. इसलिए हम लीन कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर सॉइल में जो केमिकल प्रेजेंट है वो डायरेक्ट हमारा फाउंडेशन है उसको अफेक्ट ना करे, इसलिए हम लीन कंक्रीट हम प्रोवाइड करते हैं 75 mm का. उसके बाद हम देखते हैं इसका जो बनेगा डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, जो इसका डायग्राम बनेगा वो है ये हमारा जो है टैंक है जो कि 166 mm है, जिसकी थिकनेस है. उसके बाद ये हमारा स्लैब है, ठीक है, और इसमें हम ऊपर नीचे दोनों साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. ये 10 mm जो है हमारा वर्टिकल रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है 160 mm स्पेसिंग पे. हमारा 4 मीटर का ये पूरे टैंक का जो है हाइट है, और ये जो है हम बेस पे हम निकाले थे कि हमको कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 20 mm का 150 mm स्पेसिंग में. और ये जो स्लैब है इसका जो हम इसका स्लैब में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे उसका भी हमने डायमीटर निकाला था 8 mm का 250 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 220 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और जो विथ ऑफ स्लैब है वो हमारा 150 mm का है, ठीक है. इस लेक्चर में बस इतना ही. आगे का लेक्चर होगा उसमें हम रिजिड बेस के साथ जो टैंक होगा उसको हम डिजाइन करेंगे.